अल्लाह वरकातुहु। मैं आपका होस्ट लेशम और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी जो है शदीद तरीन होती जा रही है गर्मी, और इसीलिए मैं आज जो है आप लोगों को गर्मी के सिलसिले में ही जो है यहाँ पे मैं कंफ्यूजर में अपनी दुकान पे, जो कि हमारी दुकान है ये कूलरों वगैरह के हिसाब से आप लोग ये इधर सही आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को मैं दिखाऊँगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं और आप लोग को हमारे दुकान से किस रेट पर चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पर हम जो है नई जाली में बनाते हैं, इसमें पैड वाली शीट भी आ जाती है, इसमें दूसरी और एक इंच वाली भी शीट है, डेढ़ इंच वाली शीट भी है, इसमें पैड की मुख्तलिफ शीट्स हैं, चाइना जाली है, मुर्गा जाली है, सप्लाई सेट है और पंप वगैरह भी हमारे पास हैं और बूढ़े के बंडल भी है और नए सेट भी हम बनाते हैं और पुराने सेटों को जो है नया भी करते हैं। तो किसी किस्म के भी आप लोग को मालूम चाहिए तो हमारी दुकान पर विज़िट करें। एंड में जो है वीडियो के उसमें आप लोग को मैं जो है दुकान का कार्ड वो भी दिखा दूँगा। आपने जो है इसमें पूरा अच्छी तरह से भर लेना है, पूरी तरह से इसकी बिल्डिंग करनी है। ज़्यादा भी नहीं भरना क्योंकि जो इसमें फिर हवा वगैरह का जो है गुजर नहीं होगा, अगर फंस जाएगी इसमें फिर मिट्टी वगैरह फंस जाएगी फिर आप कहेंगे जी वैसे ही हमारा बंद हो गई जाली। तो लाइट लाइट आपने भरना है इसको। अस्सलामुअलैकुम जी, ये टर्बो कंपनी का पंप है, सबमर्सिबल पंप, और ये आपको हमारी दुकान से मिल जाएगा 500 रुपये का। ऑटोमेटिक सेंसर वाला पंप है, 25 वाट है इसकी। और ये अभी आपको मैं ये खोल के दिखा देता हूँ। ये इसमें जो है ये होती है पाइप टाइप, ये इसमें ये आपको अभी देख रहे हैं, ये साइड साइड से आपको दिखा देता हूँ, ये ऊपर से भी दिखा देता हूँ। इसके जो पानी फेंकने की जो है वो है इसकी 1.8 मीटर, और इसमें आप साइड पे भी देख लें, ये इसके ऊपर अभी ये पाइप लगाऊंगा, इसके ऊपर जो दूसरी पाइप लगती है पानी वाली वो जो कूलर के ऊपर सप्लाई सेट में लगी होती है, ये वो वाली पाइप यहाँ पे फिट होगी इसके साथ। ठीक हो गया, ये आपने अच्छी तरह टाइट कर लेना है। उसके बाद ये इसकी आपको मैं नीचे ये पीछे से दिखा देता हूँ, और ये नीचे आपको ये आपने कूलर के जो है नीचे उसके डेप्थ में रख देना है, और ये इसकी दो तारें हैं, ये आपने उसके साथ कनेक्शन कर देना है तो ये आपका पंप लग जाएगा। तो ये आपको जी अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो है लोरी कूलर में जो है हम पैड किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों ने फ्रेम को जो है बिल्कुल सीधा कर लेना है, नीम रख के जो उसके अंदर कोई टेढ़ी मेढ़ी हुई होगी जाली उसको आपने सीधा करना है। फिर आपने जो है इसको रख के जो है मतलब कि लोरी कूलर में तो कम सुराख होते हैं तो आपने वो है सबसे ज़्यादा सुराख कर लेने पहले, तो उसके बाद ताकि जो है पानी का फ्लो सही अच्छी तरह से हो जाए, ज़्यादा सुराख कर लेने अच्छी तरह से प्रॉपर। शीट को जो आप लोगों ने फिर बिछा लेना, उसके लिए हमें जो है ज़रूरत होगी एक आरी ब्लेड की और इंचज टेप की, और उसको जो रख के जो काटने है उसके लिए। और उसके बाद फिर आपने जो है इसको नापना है अच्छी तरह से, जिस साइज़ का है बराबर उसको नाप लेना है ताकि जो है कोई कमी पेशी ना रहे और वो शीट जो है गलत ना कटे, इसलिए उसको बराबर काट लेना। नापने के बाद जो है आपने उसको काट लेना प्रॉपर तरीके के साथ, अच्छी तरह से उसको बराबर काट लेना ताकि जो है कोई एंड में कमी पेशी ना हो और वो बराबर बराबर काट जाए। उसके बाद फिर उसको आपने रखना है और फिर डोरी से टांगे मार लें।
माई वीडियोज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लव यू ऑल